हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल वर्सेस यूएई का 11th वनडे मैच के बारे में। डेट एंड टाइम के बारे में बात करें तो कल सुबह को 10 बजे को मैच स्टार्ट होगा। वेन्यू के बारे में बात करें पी सारा ओवल कोलंबा श्रीलंका में खेला जाएगा। मैं आपको हेड टू हेड टीम फॉर्म और हर प्लेयर का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी एक्सप्लेन करूंगा। आप 100% ग्रैनिटी में भी मनी ईजिली सेंड करेंगे, स्मॉल टीम में भी मनी ईजिली सेंड करेंगे। पहले हेड टू हेड के बारे में बात की तो अब तक नेपाल वर्सेस यूएई का टीम का एक बार भी मैचेस नहीं हुआ है। अब टीम फॉर्म के बारे में बात की तो टीम फॉर्म के बारे में बात करें, नेपाल ने लास्ट 5 मैचेस में 2 विन किए हैं, 3 लॉसेस किए हैं। और यूएई के बारे में बात की तो लास्ट 5 मैचेस में 4 लॉसेस हुए और 1 विन किए थे। और पिच के बारे में बात करते हैं, पिच बैटिंग के लिए अच्छे सपोर्ट करेंगे। इस पिच का एवरेज स्कोर के बारे में बात करें जाए तो 240 से 250 का बीच में स्कोर बनेगा। पिच स्पिन बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करें। इस पिच में टोटल 79 विकेट्स गिरे हैं, उसमें फास्ट बॉलर्स को 32 विकेट्स मिले और स्पिनर्स को 47 विकेट्स मिले। आपको मैं टीम फॉर्म भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब इस पिच का ODI का रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें, इस पिच में टोटल ODI मैचेस 24 मैचेस खेले, उसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 9 टाइम्स जीते हैं और सेकंड बैटिंग टीम करने वाली 11 टाइम्स जीते हैं। और इस पिच में हाईएस्ट स्कोर इंडियन वुमेन्स ने मारे थे 259 श्रीलंकन वुमेन्स के खिलाफ। और लोएस्ट स्कोर के बारे में बात करें, पाकिस्तान वुमेन्स ने 67 में ऑल आउट हो गए थे इंडियन वुमेन्स के खिलाफ। मैं इस पिच का मैं आपको ODI का रिकॉर्ड के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब मैं हर प्लेयर का मेरा लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी एक्सप्लेन करूँगा। 100% ग्रैनिटी में भी मनी ईजिली सेंड करेंगे और स्मॉल टीम में भी मनी ईजिली सेंड करेंगे। पहले विकेट कीपर्स में देखा जाए तो मैंने 2 विकेट कीपर को पिक किया, आसिफ शेख और ये शर्मा को। ये दोनों विकेट कीपर बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन से भी, दोनों विकेट कीपर को 100% पिक कर लेना। दोनों विकेट कीपर का लास्ट 5 मैचेस का स्टार्ट के बारे में बात करें, शेख के बारे में बात करें, लास्ट में जो 7 रन मारे, लास्ट ओवर में 12 रन मारे, लास्ट ओवर में जो डकआउट हो गए थे, लास्ट ओवर में 12 रन और लास्ट मैच में 28 रन मारे। एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन शेख को 100% पिक कर लेना। और ये शर्मा के बारे में बात करें, शर्मा ने लास्ट मैच में 37, लास्ट ओवर में 38, लास्ट ओवर में 57, लास्ट ओवर में 28 और लास्ट मैच में 18 रन मारे। मैंने विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर को पिक किया, ये दोनों विकेट कीपर बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन से पे, दोनों विकेट कीपर को 100% पिक कर लेना। अब बैट्समैन में देखा जाए, मैं 3 बैट्समैन को पिक किया, आर कुमार को, एफ नवाज को और जे फिगी को। ये तीनों बैट्समैन बेस्ट बैट्समैन से पे, तीनों बैट्समैन को 100% पिक कर लेना। तीनों बैट्समैन का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात करें, आर कुमार फोडेल के बारे में बात करें तो लास्ट ओवर से 65 रन मारे, लास्ट ओवर में 4, लास्ट ओवर में 29, लास्ट ओवर में 4 रन मारे, लास्ट मैच में 33 रन मारे। एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन, उनको आप 100% पिक कर लें। एफ नवाज के बारे में बात करें, नवाज ने लास्ट मैच 8 रन मारे, लास्ट ओवर में 2, लास्ट तीसरे मैच में 26 रन मारे, लास्ट चौथे मैच उनको बैटिंग में चांस नहीं मिला था, लास्ट मैच में 21 रन मारे। और जे फिगी के बारे में बात करें तो लास्ट मैच में 25, लास्ट दूसरे मैच डकआउट हो गए थे, लास्ट सेशन में 9 रन मारे, लास्ट चौथे मैच 24 रन, लास्ट पांचवें मैच 80 रन मारे। मैंने बैट्समैन पर 3 बैट्समैन को पिक किया, तीनों बैट्समैन बेस्ट बैट्समैन से पे, तीनों बैट्समैन को 100% पिक कर लेना। मैंने तीनों बैट्समैन का स्टैट्स भी बता दिया, तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। अब ऑलराउंडर को बताने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाके इस तरह सर्च करते मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट्स बनाए, इस दोनों अकाउंट को भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको फेक टीम देख रहे, फेक अकाउंट भी है जिसमें आपको 1436 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको 1400 प्लस सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं, उसी पर आप ज्वाइन कर लें। 100% मनी ईजिली सेंड करेंगे। मैं आपको तीन ऐप प्रोवाइड करूंगा, सब 100% मनी ईजिली सेंड करेंगे। पहला वाला विजन लेवन 100% मनी ईजिली सेंड कर सकते हैं। कमाल कैफ है विजन लेवन आपको डेली 2 या 3 फ्री एंट्री मिलेंगे, आप 100% मनी ईजिली सेंड करेंगे। कमाल कैफ है विजन लेवन 100% मनी ईजिली सेंड करेंगे। और दूसरा वाला है माई मास्टर में आपको डेली 1 या 2 फ्री एंट्री मिलेंगे, 100% माई मास्टर में मनी ईजिली सेंड करेंगे क्योंकि इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है, मनी का साथ साथ ऑफर्स भी आप 100% जीतेंगे। और तीसरा वाला है कुबेरा में अगर आप DU का टीम में खेलेंगे तो 100% मनी ईजिली सेंड करें क्योंकि इसमें आपको एक ही प्लेयर को सेलेक्ट करना, मैं आपको एक प्लेयर को सेलेक्ट करके दे दूंगा। अगर आप कुबेरा में DU का टीम में खेलेंगे तो 100% मनी ईजिली सेंड करें। कमाल कैफे कुबेरा, अब कुबेरा 100% मनी ईजिली सेंड करें। मैं तीनों ऐप में मनी ईजिली सेंड कर रहा हूँ, आपको भी तीनों ऐप में मनी ईजिली सेंड करा, तुरंत लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। मैं तीनों ऐप का लिंक टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। 100% तीनों ऐप में मनी ईजिली सेंड करेंगे। अब ऑलराउंडर्स में देखा जाए, मैं 3 ऑलराउंडर्स को पिक किया, मेला सरफ और ये नसेर को। ये तीनों ऑलराउंडर बेस्ट ऑलराउंडर्स है, तीनों ऑलराउंडर्स को 100% पिक करना। तीनों ऑलराउंडर्स का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात करते हैं, के माला के बारे में बात करें, लास्ट मैच में एक विकेट भी नहीं मिला, लास्ट सेशन में 17 रन प्लस 1 विकेट लिए, लास्ट सेशन में 44 रन प्लस 1 विकेट और लास्ट
चौथे मैच ट्वेल्व रन पाए थे, लास्ट पांचवें मैच टू रन प्लस शून्य विकेट। और ए पी सरफ के बारे में बात करते हैं, लास्ट मैच सिक्स रन प्लस शून्य विकेट, लास्ट तीसरे मैच वन रन प्लस टू विकेट लिए, और लास्ट तीसरे मैच 25 रन प्लस वन विकेट लिया, लास्ट सेशन में 32 रन मारे, लास्ट पांचवें मैच 23 रन प्लस शून्य विकेट। और ये नसीर के बारे में बात करें, नसीर ने लास्ट मैच में 7 रन प्लस वन विकेट लिया, लास्ट सेशन में 10 रन प्लस वन विकेट लिया, लास्ट सेशन में 1 रन प्लस टू विकेट, लास्ट चौथे मैच 4 रन प्लस वन विकेट लिया, लास्ट पांचवें मैच 13 रन प्लस वन विकेट लिया। मैंने ऑलराउंडर्स में तीन ऑलराउंडर्स को पिक किया, तीनों ऑलराउंडर्स बेस्ट ऑलराउंडर्स है, तीनों ऑलराउंडर्स को 100% पिक कर लेना। अब बॉलर्स, बॉलर्स में देखा जाए, मैं तीन बॉलर्स को पिक किया, ए सेट्टी को और एम खान को और एस कामिन को। ये तीनों बॉलर्स बेस्ट बॉलर्स है, तीनों बॉलर्स को 100% पिक कर लेना। तीनों बॉलर्स का लास्ट फाइव मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात करें, सेट्टी ने लास्ट मैच एक विकेट लिया, लास्ट मैच शून्य विकेट, तीसरे मैच दो विकेट, चौथे मैच एक विकेट, लास्ट मैच में दो विकेट। एक इंपॉर्टेंट बॉलर, इनको आप 100% पिक कर लें। एम खान के बारे में बात की, खान ने लास्ट मैच दो विकेट लिए थे, दूसरे मैच एक विकेट, तीसरे मैच एक विकेट, चौथे मैच दो विकेट लिया, लास्ट मैच में शून्य विकेट। और एस कामिन के बारे में बात की, कामिन ने लास्ट मैच शून्य विकेट, दूसरे मैच शून्य विकेट, तीसरे मैच एक विकेट लिया था, चौथे मैच में एक विकेट, पांचवें मैच एक विकेट। मैंने बॉलर्स में तीन बॉलर्स को पिक किया, तीनों बॉलर्स बेस्ट बॉलर्स है, अब तीनों बॉलर्स को 100% पिक कर लेना। मैं तीनों बॉलर्स का स्टैट्स भी बता दिया, तीनों बॉलर्स बेस्ट बॉलर्स है, तीनों को 100% पिक कर लेना। अब कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात की, तो मैंने कप्तान में बनाया ए नसीर को और वाइस कप्तान में पी सरफ को। मैंने विकेट कीपर में दो विकेट कीपर को पिक किया, बैट्समैन पर तीन बैट्समैन, ऑलराउंडर्स पर तीन ऑलराउंडर्स, बॉलर्स में तीन बॉलर्स को। मैंने विकेट कीपर में दो विकेट कीपर को पिक किया, बैट्समैन तीन बैट्समैन, ऑलराउंडर्स में तीन ऑलराउंडर्स, बॉलर्स में तीन बॉलर्स। अगर कोई प्लेयर मिस होता तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल फाइनल टीम प्रोवाइड करूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।